नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया जॉब लेके आया हूँ और आज का जो जॉब है वो टोटली गवर्नमेंट जॉब है और वो भी अब आपको राजस्थान में मिलेगा क्योंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंड किया जा रहा है। तो टोटली जो जॉब है इसके नोटिफिकेशन और साथ ही साथ वैकेंसीज, एग्जाम डेट, एग्जाम के क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अप्लाई किस तरीके से करेंगे उसका भी लिंक्स और प्रोसीड्योर भी मैं इसी एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब, वर्क फ्रॉम होम सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और हाँ, और एक चीज मैं मेंशन आपको कर दूँ, मेरे कंप्यूटर स्किल के वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी प्राइवेट जगह पे जॉब करना है और वो भी कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप इस कंप्यूटर स्किल के शॉर्ट सेक्शन में सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके साथ मैंने लॉन्ग वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दिया, प्लेलिस्ट में जाइए तो यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स का जो वीडियोस है उसको जरूर वॉच करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज और गेन आपको जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले देखिए जॉब का जो डिटेल्स है आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से आपको रिकमेंड किया जा रहा है और राजस्थान में आपको जॉब मिलेगा। 140 वैकेंसीज है, तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है 140 है और टोटली आप देखेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए, जिसको JLO कहा जाता है, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए पोस्ट है और 140 वैकेंसीज है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंड किया जा रहा है। और आप देखेंगे तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 21 से 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है और वो भी देखिए रीड नोटिफिकेशन को आपको चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि जो लिमिट एज लिमिट है वो किस तरीके से है कि एक्चुअली इस 21 से 40 जो एज लिमिट दिया गया है वो क्या SC ST के लिए है कि जनरल के लिए है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए रिटिन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, चार टेस्ट आपको लिया जाएगा। पहले रिटिन एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ये कुछ चार एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन हो पाएंगे। 10,000 से 15,000 आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है, तो एक्चुअली इतना कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जनरल कैटेगरीज के लिए आपको 600 रुपीज़ और बाकी जो कैटेगरीज है जैसे BC EBC EWS इसके लिए 400 रुपीज़ और SC ST के लिए भी 400 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो मास्ट आपको आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ रिसेंट पासपोर्ट साइज, कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी मतलब चाहिए, क्राइटेरिया भी चाहिए, जैसे आपका वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटिन आपको आती है तो जरूर अप्लाई करिए क्योंकि राजस्थान क्राइटेरिया के हिसाब से आपको हिंदी नॉलेज आना चाहिए और हिंदी आप राइटिंग कर सकते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्राइटेरिया आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स का आपको जरूरत होगा, जैसे आप देखेंगे सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो डोमिसियल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड का प्रूफ। तो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद आपको 9 अगस्त पहले अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई का लिंक मैं नीचे आपको दे चुका हूँ, उस लिंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो डिटेल्स आप चेकआउट करिए सारी जानकारी आपको मिलेगा, एक एक करके जानकारी आपको मिलेगा। तो उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन पोर्टल, इसमें क्लिक करिए। तो न्यू एप्लीकेशन पोर्टल में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। तो रजिस्टर बटन आपको राइट साइड में दिखेगा, तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीके से आप यूज़ करते हैं, आपका गूगल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और आपका जन आधार के भी लिंक से यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं जन आधार लिंक से ही यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करके बाकी स्टेप को आपको फिलअप करना होगा। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी जॉब पाना चाहते हैं, घर बैठे भी आप जॉब करना चाहते हैं, IT सेक्टर में भी जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।